व्हाट्सअप एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं गेमिंग माउसपैड के बारे में। तो भाई, मार्केट में काफ़ी टाइप्स के गेमिंग माउसपैड आते हैं, स्पीड टाइप, कंट्रोल टाइप, हार्ड टाइप और एक्सेट्रा। सो बहुत कन्फ्यूजन था मेरे को भाई, कौन सा माउसपैड ले कौन सा नहीं। तो मैंने चूज़ किया भाई अमेज़न की तरफ से आने वाला उनका बेसिक माउसपैड, जो कि है एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ वाला। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और चेक करते हैं भाई ये माउसपैड कैसा है और कैसा नहीं है, आपको क्या क्या मिलते हैं कॉन्स और क्या क्या इसके प्रोज हैं। हियर इट इज़ माउसपैड बॉक्स। सो बॉक्स के यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अमेज़न का एक लोगो, जो कि होता है ए से लेकर जेड तक, या फिर स्माइली बोल सकते हैं। और फिर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। तो सॉरी दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं कि ये प्रोडक्ट चाइना का बना हुआ है। एनीवेज आगे चलते हैं। इंपोर्टेड एंड मार्केटेड बाय न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में यहाँ पे मार्केट और इंपोर्ट किया हुआ है, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हुए थे, कस्टमर केयर नंबर एंड ऑल। सो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर यहाँ पे फिर से वही सेम चीज़, और यहाँ पे अनसर्टेन चीज़ लिखा हुआ है, जो कि हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अनबॉक्स करते हैं इसको और देखते हैं कैसा है माउसपैड और कैसी है बिल्ड क्वालिटी इसकी। ये रहा माउसपैड। तो माउसपैड के अंदर हमें एक पेपर भी मिलता है, जो कि हम बाद में पढ़ लेंगे। और भाई माउसपैड का वेट भी थोड़ा सा अच्छा खासा है, जिससे कि हमें फ्रिक्शन अच्छा खासा मिलने वाला। और भाई माउसपैड का मोटाई भी अच्छा है। तो भाई बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं मिलता, तो बॉक्स को फेंक देते हैं हम लोग। चलिए माउसपैड को भाई बाहर निकालते हैं उसके कपड़ों से। तो माउसपैड बाहर आ चुका है। ओह क्या बात है, माउसपैड बहुत स्मूथ फील होता है भाई छूने से ही, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे अमेज़न बेसिक का एक टैग मिल गया मेरे को, जो कि छोटा सा, तो भाई अच्छी बात है। और आई थिंक ये रबराइज फिनिक के साथ आता है, तो भाई ये कुछ दिन बाद शायद निकल भी सकता है, तो मैं इसका गारंटी दे नहीं सकता आप लोगों को। और भाई मोटा सा माउसपैड भाई, मोटा मोटा निकोंडा टाइप का। तो चलिए चलते भाई अमेज़न बेसिक माउसपैड का भाई, हम लोग कुछ बीरोल्स देख लेते हैं फटाफट। सो इस माउसपैड का लेंथ की बात करें तो इस माउसपैड का लेंथ 90 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ की बात करें तो इसका ब्रेथ 43 सेंटीमीटर है, जो कि अपने में ही काफ़ी बड़ा मैसिव है। आई डोंट थिंक ऐसा आपको माउसपैड कहीं भी आपको मिलने वाले इतना बड़ा साइज़ का। सो ये रहा मेरा ओल्ड माउसपैड, जो कि काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू न्यू माउसपैड। मतलब आप देख के पता कर सकते हैं कि न्यू वाली माउसपैड की साइज़ कितनी बड़ी है, मतलब पूरी टेबल कवर करती है। माउसपैड की थिकनेस भी ठीक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसकी साइड्स में स्टिचिंग नहीं होती है, जिसके कारण कि मे बी फ्यूचर में एक साल बाद या फिर 6 महीने बाद आपका क्लोथ खड़ सकता है रबर से। तो ये एक डाउन पॉइंट है इस माउसपैड की। और माउसपैड के पीछे हमें पूरी रबराइज फिनिश के साथ मिलता है, जिससे कि स्लिप नहीं होने वाला है माउसपैड। सो इस माउसपैड की प्रोज एंड कॉन की बात करें तो प्रोज में आता है ये माउसपैड काफ़ी बड़ा है, प्लस इस माउसपैड का सरफेस काफ़ी स्मूथ है, प्लस ये माउसपैड आपको बस 800 प्राइस टैग के साथ आता है। और कॉन्स की बात करें तो बस इसी माउसपैड में एक ही कॉन है, जो कि साइड में आपको स्टिच नहीं मिलते, जिससे कि फ्यूचर में आपकी ये क्लोथ उखड़ना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस, यही था हमारा अमेज़न बेसिक माउसपैड का रिव्यू। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स भी कर देना आपको ये कैसा लगा वीडियो, और साथ ही साथ भाई बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।